अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर चैनल के एन एफ वर्ल्ड। आपका मेज़बान फ़हीम हाज़र है एक न्यू वीडियो के साथ। आज फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। तो काफ़ी लोग कह रहे थे, फरमाइश कह रहे थे, आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा क्यों ना आज आ जाऊँ कैमरे के सामने। तो आज आने का मकसद ये है कि आज मैं आपको अपनी होम ब्रीड दिखाने वाला हूँ। कुछ काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई आपने कौन कौन सी ब्रीड रखी हैं, तो वो भी कुछ हमें दिखा दें। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखें, ये एक सामने है, ये मेरे घर का ही पट्ठा है माशाल्लाह, आप इसको देख लें, ये सामने खड़ा है, इसकी हाइट वगैरह, इसका सारा कुछ देखें आप स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, ये देखें, ये देखें, ये इसका साइज देखें माशाल्लाह। ये मेरे होम ब्रीड है, इसका बाप वाइट था, हीरा था, और इसकी माँ जावी थी, लेकिन इंडियन थी माशाल्लाह, बहुत ही मज़बूत थी। और वो तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उनके बच्चे थे वो। ये मेरे पास 3-4 पट्ठे हैं, बारी बारी आपको सारे दिखाते हैं। तो ये भी 11 माह का पट्ठा है, तो अभी आपको दिखाते हैं, क्लोज़ करें ज़रा। ये देखें आप, सबसे पहले इसका फेस देखें, इसकी आइज़ देखें माशाल्लाह, इसकी नोक देखें, इसकी गर्दन, ठीक है। अब इसको पूरा दिखाएं ज़रा, ये देखें, ये इसके पल्ले देखें आप, ये देखें इसके पल्ले, अच्छा भी आपको दिखाता हूँ इसके पल्ले, ठीक है, ठीक है। इसकी दम वगैरह देखें, इसकी नलियाँ देखें, पाँव इसके ज़रा, ये बचपन में इसका इनके साथ थोड़ा सा हो गया था, एक हादसा ही एक किस्म का समझ लें, ये थोड़े बीमार हुए थे, तो इनको गलत इंजेक्शन लगने की वजह से ये मफलूज हो गए थे एक किस्म से। तो लेकिन मेरे भाई हैं, नईम भाई, वो मेरे भाई हैं, आपको आज मैं बता देता हूँ। तो उनको ये बहुत प्यारे हैं, उन्होंने बड़े प्यार से रखे हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि इनको ये बेचारे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा इनको मैंने ठीक करना ही करना है। तो उन्होंने ठीक तो कर ली, अब थोड़ा सा इनको में मसले हैं तो सही, लेकिन ये माशाल्लाह ब्रीड बहुत प्यारी है। आप इसका साइज़ देख लें माशाल्लाह, ये प्योर पाकिस्तानी ब्रीड में है, और साइज़ देखें और मज़बूती देखें माशाल्लाह। इसके जोड़ वगैरह इतने हार्ड जोड़ हैं ना इसके माशाल्लाह, फ़ाइट वगैरह के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन हमें शौक़ नहीं है फ़ाइट वगैरह कराने का। ये लड़ पड़े थे आपस में, 3-4 बैठे हैं ना, तो अचानक जब गर्म हुए, उनको जवानी हुई, तो ये देखें थोड़े गंजे हो गए हैं, लड़ पड़े थे, तो अब इनको सेपरेट किया हुआ है, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का बुरा हाल कर तो दिया वैसे। चलें फिर इसकी नलियां दिखा दें, नलियां देख लें आप, इसकी चोरस करें, चोरस नलियां, चोरस टाइप नली है इसकी, येलो नली है, और लेकिन काले नाखून है इसके, आप देख सकते हैं मज़बूत इसके नाखून हैं, सारा कुछ, बड़े पंजे हैं इसके, हैवी टांगे हैं इसकी, मतलब हार्ड हीटर है ये वैसे। इसको हमने थोड़ा सा चेक किया, साल का होने वाला है तकरीबन, 11 मंथ के हो गए हैं तकरीबन, बाकी आप देख सकते हैं। ताज इसका छोटे पिंजरे की वजह से टेढ़ा हो गया था। हाँ जी, इसका ताज देख लें आप, ताज ये थोड़ा लटक गया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे हैं ना ये, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा, जब मफलूज हुए थे तो हम इनको बंद करके रखते थे, उसकी वजह से बचपन से ही ना इनका ताज थोड़ा टेढ़ा हो गया। इसके मेरे पास भाई भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं बारी बारी। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फिलहाल इसके लिए बस करते हैं।